यूपी के जिले सिद्धार्थनगर में राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ के जिलाध्यक्ष आदित्य कुमार शुक्ला की अगुवाई में कल एक सत्याग्रह मार्च निकाला गया। इस सत्याग्रह मार्च को निकलने का कारण आदित्य कुमार शुक्ल ने बताया कि योगी सरकार से अपनी मांगों को लेकर ये मार्च निकाला गया है। 12 साल से हम अपनी समस्या को लेकर परेशान हैं। आज आवश्यक इसलिए प्रतीत हुआ जी, और शिक्षक दिवस पर प्रतीत हुआ। समाज आज हमको सम्मान की नज़र से देखता है, लेकिन हमारे उच्चाधिकारी इस प्रकार के आदेश निर्गत करते हैं। इस प्रकार की कार्यप्रणाली उनकी है कि हर शिक्षक पूरी तरह से कुंठित होता है, वो परेशान है, और वो कहीं ना कहीं जो उसकी जिम्मेदारी भी नहीं, उसका दायित्व भी नहीं, उसका कार्य भी नहीं है, जिसके लिए वो नियुक्त भी नहीं हुआ है, उन कार्यों के लिए उसको परेशान किया जाता है। सो के उठता है, 3-4 चिट्ठियाँ फेसबुक पर व्हाट्सएप पर पड़ी रहती हैं। सर आज ही के दिन क्यों, इसको आज ही के दिन क्यों चुना गया? आज के दिन इसलिए कि तथाकथित रूप से जो हमें सम्मानित करने का ये ढकोसला चल रहा है, हम ये चाहते हैं कि हमारे विभाग में जो शिक्षकों के प्रति दोहरा रवैया है वो कम से कम समाज में आए, आप लोगों के माध्यम से हर व्यक्ति तक जाए और उन उच्चाधिकारियों तक जाए जो अपने अहंकार में वो ये समझ रहे हैं केवल शिक्षक को ही हम पीड़ित कर देंगे तो सारा व्यवस्था सही हो जाएगा। जबकि शिक्षक शिक्षण कार्य के अलावा हर एक कार्य के लिए उसको प्रताड़ित किया जाता है, वो हर कार्य करे, छोटी छोटी बातों पर उनका वेतन रोक देना, जो कार्य शिक्षक का नहीं है, बैंक का अपडेट करना, अभिभावक से उनका डाटा लेना, ये सब कार्य जो शिक्षक का नहीं है उसके लिए इन पर कार्रवाई ये अनुचित है। आज सबसे कम रुपए में खाना बनाया जाता है, जो अध्यापक उसमें भी 4-5 महीने बाद पैसा जाता है और वो भी अध्यापक के द्वारा अपने वेतन से लगाया जाता है, ये सब कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है। इन सब कार्यों के लिए हम लोग आज का दिन चुने हैं, ये हमारा सत्याग्रह है। कम से कम समाज तो देख ले कि शिक्षक की क्या गलती है और हमारे उच्चाधिकारियों की क्या गलती है। भारी भरकम व्यवस्था के बाद, इतने बड़े बजट के बाद 5 महीने तक आप किताब बच्चों को नहीं दे पाए, तो हमारी तो मांग है आप किताब का भी पैसा उनके खाते में दे दीजिए। तमाम तरह के ऐप डाउनलोड करने के लिए निजी मोबाइल पर बाध्य किया जाता है, किसी भी शिक्षक को उनके पास मोबाइल सरकारी नहीं है, निजी मोबाइल है। नेटवर्क की समस्या आप जानते हैं, सिद्धार्थनगर में आप सभी लोग देखते हैं, नेटवर्क की समस्या ना होने के बावजूद भी यदि कहीं भी वो डाटा फीड करने में असफल होता है तो तुरंत उसका वेतन रोक दिया जाता है। मतलब वेतन रोक देना बधुआ मजदूर से भी बदतर तरीके से शिक्षकों के साथ ट्रीट किया जाता है। तो आप कहना चाहते हैं सर कि जो ऐप निकाला गया है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है? वो ऐप काम कर भी नहीं रहा है, उस ऐप की आवश्यकताएँ भी नहीं है। शिक्षक को स्वतंत्र तरीके से पढ़ाने का अवसर देना चाहिए, लखनऊ नहीं निर्धारित करेगा कि आप। हमारी मांगों में पुरानी पेंशन बहाल हो और राज्य कर्मचारी का दर्जा मिले, बहुत समय से खाली पद पर नियुक्ति की जाए। आदित्य कुमार शुक्ला ने बताया कि हम सत्याग्रह के जरिए अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा रहे हैं और इसकी शुरुआत जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देकर की गई है।